प्रशासन की अनदेखी के चलते गौवंश की दर्दनाक मौत हो रही है। वहीं जागरूक लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। आपको बता दें कि मगोर्रा क्षेत्र में प्रशासन की टीम ने आवारा गायों को गांव के शमशान में इस खुली ठंड में मरने को छोड़ दिया है, तो वहीं गायों को खाने पीने तक का कोई भी सुध नहीं लेता है, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण गोपालक के ये जगह उन्हीं के ब्रज नगरी में भूखी प्यासी तड़प कर बेमौत मर रही हैं गाय। ऐसा ही एक नज़ारा आज मगोर्रा क्षेत्र में सुबह देखने को मिला, जब स्थानीय लोगों ने भूखी प्यासी गायों को तड़पते हुए देखा। वहीं कुछ देर बाद दो गायों ने तड़प तड़प कर जान भी दे दी। यहां खबर पर प्रशासन की टीम को उनको उठाने भी नहीं आई। गायों के मृत हो जाने की सूचना जब गौरक्षक दल के सदस्य श्रेयश को मिली तो वह अपनी टीम के साथ मगोर्रा पहुंचा और एम्बुलेंस के जरिए गायों को अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ लाया। वहीं गायों की इस दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों ने खासी नाराजगी भी जताई है। मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है, मैं श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान का। आज जो आप जो स्थाई जो मगोर्रा जो गौशाला है, आप इसमें क्या नया देखने को मिला है? क्या हम लोग यहाँ, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर गौवंश की स्थिति बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। हम लोग भाई, हमारे भाई श्रेयस भाई गोवर्धन से आए हैं यहाँ। हम मथुरा से यहाँ आए हैं तो यहाँ देखा कि 4 से 5 गौवंश की स्थिति तो मरणसन्न अवस्था में पड़ी हुई है, और कुछ गौवंश जिनका किसी का अंबर निकला हुआ है, किसी के पैर में चोट है, और एक गौवंश यहाँ दलदल में फंसा हुआ है पीछे, आप हम लोगों के पीछे।